आखिरकार बिग बॉस के घर के अंदर अब प्रियंका चहर चौधरी काफी ज्यादा दुखी क्यों नजर आ रही हैं? जी हां, आपको बता दें कि प्रियंका चौधरी को लेकर एक लेटेस्ट और बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जिसमें अब प्रियंका घर के अंदर कुछ इस तरह की नजर आ रही हैं जैसा इससे पहले कभी भी प्रियंका देखने को नहीं मिली है। वहीं साथ ही साथ आखिर अर्चना गौतम इसी बात को लेकर प्रियंका को भी क्या समझाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि प्रियंका चहर चौधरी की उदास के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। आपको बता दें कि फिनाले के इतने करीब आकर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि प्रियंका को किसी बात का डर सता रहा है, प्रियंका परेशान नजर आ रही हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रियंका चौधरी इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जिसे हर किसी ने यही कहा है कि प्रियंका काफी स्ट्रांग है और वही शो की विनर भी बन सकती है। लेकिन अब तो इससे कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब प्रियंका चौधरी को घर के अंदर ये डर सता रहा है कि वो बिग बॉस नहीं जीत सकती। जी हाँ, प्रियंका पूरी तरह से ये मान चुकी हैं कि बिग बॉस की ट्रॉफी उनके पास नहीं आएगी, कोई और ही उनके पास से लेकर चला जाएगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी अब सामने आ गई है। खबरों की माने तो प्रियंका का मानना है कि जिस तरह से फराह खान ने प्रियंका चौधरी को इस वीकेंड का वार पर डांट लगाई और उनकी इमेज पर भी सवाल उठाए, इसी को लेकर अब प्रियंका का कहना है कि मेरी इमेज अब घर के बाहर पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जी हाँ, प्रियंका का मानना है कि घर के बाहर की जनता अब प्रियंका की पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही, जब से फराह खान ने उन्हें शालीन की बात को लेकर फटकार लगाई थी। यही बड़ी वजह है कि प्रियंका अब घर के अंदर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि अर्चना गौतम प्रियंका को समझाती हुई नजर आ रही है। अर्चना का कहना है कि प्रियंका, कोई भी तुम्हें हेट नहीं कर रहा है, तुम ये मत सोचो कि एक वीकेंड का वार पर अगर तुम्हें फराह खान ने डांटा है, तुम्हें ये कहा है कि तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, तो जनता तुम्हारे बारे में वो सोचने लगी है। अर्चना ने कहा कि जनता तुम्हारी सारी की सारी जर्नी देख चुकी है, तुम्हारी जर्नी इतनी अच्छी है कि हर कोई तुम्हें ही वोट करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में ही आने वाली है। जी हाँ, अर्चना प्रियंका को इस तरह की बातें समझाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन प्रियंका है कि मानने को तैयार ही नहीं है। प्रियंका ने यह पूरी तरह से मान लिया है कि ट्रॉफी अब प्रियंका के हाथ से जा चुकी है। ऐसे में अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह से अर्चना प्रियंका को समझा रही है उसका प्रियंका की इस गेम पर कितना असर देखने को मिलता है। वैसे आपका क्या मानना है कि क्या सच में प्रियंका की इमेज घर के बाहर खराब हो गई है या फिर नहीं, हमें कमेंट करें। बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।